कुछ ना बेटा, ऐसे चुप बैठने से थोड़ी काम चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ मुझे। तुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीमा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कौन सी बात रीमा? वही जो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो रीमा? किसने कहा कि तुम? नहीं दीपक, नहीं, मुझे और झूठी तसल्लियां मत दो तुम। मैं तो रोज मां बनने का सपना देखती हूं, और तुम मुझे झूठे सपनों में जीने दे रहे हो। दीपक, दीपक, मैंने कितनी बड़ी चीज खो दी अपनी, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। किसी ने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि रीमा अब तुम्हारी गोद हमेशा सूनी रहेगी। कौन कहता है ऐसा बेटा? मम्मी जी, रिपोर्ट में जो लिखा है मैंने पढ़ लिया है। झूठ लिखा है इस रिपोर्ट में। डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते। देख बेटा, मैं एक वैद्य को जानती हूं, वो तेरा इलाज करेगा। नहीं मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आप ऐसी बातें करके मुझे बहला लेंगी। आपके लिए भी ये छोटी सी बात थी, मेरी ममता का हक मुझसे छिन गया, और मम्मी जी आपने भी नहीं बताया। रीमा, 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 मैं जानता था कि अगर ये बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, इसलिए हम लोगों ने ये बात तुम्हें नहीं बताई। रीमा, रोना बंद कर दो प्लीज, प्लीज रीमा। कम से कम मेरे ममता भरे दिल के टूटने का मातम तो बना लेने दो मुझे। रीमा, रीमा चलो अंदर चलते हैं। इजाजत अंदर आने का मतलब क्या है? इजाजत हम अपने बॉस से लेते हैं, वो इजाजत हमें मिल चुकी है। मैं कल का कलेक्शन लेने आया हूँ। हेलो जुराबर, समझाया था ना कि मिल बांट कर खाओ तो बरकत होगी। कल रात की कमाई का एक एक रुपया मेरे आदमी के हवाले कर दो। लेकिन तुम ऊंची आवाज में बात मत करो जोराबर, ऊंची आवाज में मुझे बगावत की बू आती है, और बागी को बख्शा नहीं जाएगा, यह बात मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दोपहर के 2 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन तुमने वक्त की पाबंदी का ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे अपने आदमी को भेजना पड़ा। अगली बार यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी जोराबर। हेलो माँ, मैं नेहा बोल रही हूँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं खुश हूँ। बहुत खुशी हुई नेहा मुझे ये सुनकर कि तू खुश है। नेहा, कहीं कोई खुशखबरी? नहीं अभी तक तो नहीं।
लेकिन लगता है कि बहुत जल्द मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। लगता है नेहा कि तुम्हारे और राजीव के बीच जो उलझने थी वो अब सुलझ गई है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, राजीव और मेरे रिश्ते के बीच में जो कड़वाहट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। राजीव की जिंदगी पर जो बुरा साया मंडरा रहा था अब वो भी हट गया। भगवान करे नेहा कि तुम दोनों के रिश्तों की मिठास बस इसी तरह बनी रहे। माँ आप बताइए, आपका और पापा का झगड़ा कैसा चल रहा? सब कुछ वैसा ही है नेहा। तुम्हारे पापा आज भी ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि वो वीर को इस घर में लाएंगे, और मैं आज भी तुम्हारे बुआ के साथ उनके कमरे में रह रही हूँ। फिक्र मत कीजिए माँ, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। काश तुम्हारी बात सच निकले। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि अब तुम्हारी खुशी को किसी की भी नजर ना लगे। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीतरी होगी। ये दर्द बहुत जाना पहचाना सा है। मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही होगी। बस करो, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से ही तो हुआ है। अच्छा बदला लिया है तुम्हारे भाई ने मुझसे, भगवान उसे नर्क में भी जगह नहीं देगा। रीमा, मेरी गोद में बच्चा नहीं खेल सकता, तो भगवान करे तुम्हारी गोद भी सूनी हो जाए। बस करो, प्लीज बस करो। क्यों चुप करूं? अगर मैंने अपना बच्चा खोया है तो भगवान करे तुम्हारा बच्चा भी तुमसे छिन जाए, मर जाए तुम्हारा विशाल। जो मेरे बच्चे को बद्दुआ दी था। अभी कहाँ तैयार हूँ? कॉलर तो लगाओ ठीक तरह से। अरे मैं राजीव, आप भी ना। चलिए अब आप बिल्कुल तैयार हो गए, जाइए। आज जाने का मूड नहीं हो रहा, छुट्टी है? जी नहीं। अरे ऑफिस में कोई काम ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाइए। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर। कितनी रंगत आ गई है तुम्हें, बस इसी तरह खिली खिली रहो। ऐसा लग रहा है जैसे कि 24 घंटों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पता है वो शर्मिंदा थे क्योंकि वो उन्होंने मुझ पर चिल्लाया था, और वो ये भी कह रहे थे कि वो मुझे पत्नी होने के सारे हक देंगे, और मान भी गए कि माफ करना पत्नी का हक होता है। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। ये बदलाव
आप ही का तो आशीर्वाद है। एक माँ के दिल से अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ निकलती है, पर ये खुशियाँ उस माँ के आशीर्वाद से जो जगत जननी है। माँ दुर्गा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी बेटा। माता रानी, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी दया रखना। हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का अर्थ, आई एम सो सॉरी। कट कट, निकिता जी ये क्या हो रहा है, कितनी सीधी सी लाइन है। हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार का मतलब हमेशा पा लेना नहीं होता। निकिता जी क्या कर रही हैं आप, हैं क्या कर रही हैं? अरे चुचुक मैना वाली तो लाइन है, यही बोल बोल के आप इतनी बड़ी हुई हैं, इसको तो ढंग से बोल दीजिए। आखिरी टेक बचा है, रील भी बस यही आखिरी है, बोल दीजिए वरना प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएगा। प्रोड्यूसर बर्बाद होगा तो फिल्म बर्बाद होगी, फिल्म बर्बाद होगी आपका करियर बर्बाद होगा, मेरे पास दूसरा रील नहीं है, प्लीज कर दीजिए। बस बस आप जाइए, लेट्स टेक, चलो ऑर्डर सर। चलो रे साइलेंस। हाय गायत्री, आप कौन, किससे मिलना है आपको? और तूने मुझे पहचाना नहीं? आई एम योर पीजी, बीजी योर पड़ोसन। बीजी आप? आइए आइए, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तो आपको वाकई नहीं पहचाना। नो प्रॉब्लम। और नहीं पहचाना तो कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो कभी कभी मैं ही अपने आप को नहीं पहचानती। नई स्टाइल के अमरिकन बीजी बन गई हूँ ना। सच में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा एक बात बताओ, आप अमेरिका से कब आए? लास्ट नाइट। ओह, तो आप आराम से कुछ दिन रहोगे ना? ओह नो, मैं तो ना सिर्फ अपना कार बेचने आई हूँ, बस एक दो वीकों में चली जाऊंगी। वीकों में? हफ्तों में। ओ ऐसे कहिए ना, पर इतनी जल्दी क्यों? तो क्या करूं, मेरा ना अब तो अमेरिका के बगैर और कहीं दिल लगता ही नहीं है, वो इतना साफ सुथरा है, ना कोई धूल ना कोई मिट्टी, वहां रहकर ना मेरा रंग भी कितना साफ हो गया है ना, और मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा है? A1 बीजी, कमाल है, आप तो फिर से स्मार्ट यंग, क्या बात है। ओह थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात बताइए, वो अमेरिका में आपका बेटा क्या नाम है, हैरी, उसने उस फिरंगन मेम के साथ शादी की कि नहीं? ओह कर लेंगे ना जब दिल करेगा, वैसे ना उसकी बेटी बड़ी प्यारी है, वो मुझे ग्रैनी ग्रैनी बुलाती है। बेटी? पर उसकी तो शादी नहीं हुई। देन व्हाट, अमेरिका में ना बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कभी कभी तो शादी के लिए बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, इसी बहाने दो चार रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं ना शादी में, माँ बाप की शादी बच्चे करा देते हैं। अच्छा अब ना मैं चलती हूँ, मैं ना तेरे से सिर्फ हाई करने आई थी, अभी मुझे और बहुत प्लेसेस जाना है, सबसे हाई कर रहा हूँ। कैसे, चाय कॉफी दो? नहीं नहीं नहीं, बस मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय। बीजी सुनिए तो, बाय बाय। कमाल है। Thank you.
किसी और का गुस्सा आप बेचारे इस बेजान चीज पर क्यों निकाल रहे हो? चलो खाना खाने चलते हैं। अगर खाना खाते खाते तुम्हारा दिल किया मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने का तो मुझे बता देना, वरना खाना खाकर मूड बदलने की कोशिश करेंगे। राइट? एक मिनट, क्या हथेली खोपड़ी वाले भाई, जब देखो तब हमारी हीरोइन को खाना खिलाने चले आते हो। हम लोग यूनिट में खाना नहीं देते क्या? अरे खिलाना ही है तो इस गरीब को भी खिलाओ, हमें भी भूख लगती है। मैडम शूटिंग छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? आज की शूटिंग कैंसिल कर दो। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दो? मैंने कहा ना आज की शूटिंग कैंसिल कर दो। मैंने कहा ना आज की शूटिंग कैंसिल कर दो। अरे मैं ही अलचिरकुटान हूं जब प्रोड्यूसर बनने का शौक चल रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में हीरोइन बनाना मुझे और इसको प्रोड्यूसर, तब देखना कैसे पार्टी भर भर के नखरे दिखाता हूं इसको। अबे देख क्या रहे हो, खड़े होके पैगाम क्या इसने तुम पर हाथ उठाया? कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है इसकी। अरे मैं तो कहती हूँ अगर इसने तुझे एक थप्पड़ मारा तो तुझे दो मारने चाहिए थे, मुंह सुझा देना चाहिए था इसका। मम्मी जी, एक तो इसके भाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसी की सजा भुगत रहा है वो, सड़ रहा होगा जेल में अभी। गलत फहमी है तुम्हारी। बदल जाती